यहाँ काफी दिनों से आ रहे हैं और अब काफी दिनों से दौड़ रहे हैं, तो जो आपके यारों कटिहार में जो दौड़ निकाले हैं, आप इनको बताना चाहते हैं? हाँ, निश्चित तौर पे ये लोग जम के तैयारी करेंगे। परिश्रम का फल मीठा होता है, परिश्रम ही गुल खिलाता है, और यदि कोई तैयारी करेगा, हिम्मत से तैयारी करेगा, तो किसी का जागीर नहीं है जीत, वो जो परिश्रम करेगा उसको मिलेगा, चाहे वो कोई भी। परिश्रम करने वालों का जीत हमेशा होता आया है और होता ही रहेगा। झा जी, आर्मी की तैयारी करने वाले लोग कुछ उच्च स्तरीय भी रहते हैं, कुछ निम्न स्तरीय भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि काजू किशमिश बनाकर खाने से बढ़िया होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्मल खाना खाने के डाइट से भी अच्छा हो सकता है, तो आप इस डाइट पर कुछ कह सकते हैं? देखिए जी, ये तो है ही कि आप जितना मतलब न्यूट्रिशन बना लीजिएगा, जितना भी प्रोटीन लीजिएगा, तो थोड़ा सा फायदा होता है, लेकिन सबसे बड़ा डाइट लोगों का हिम्मत है। जो हिम्मत बना के दौड़ेगा, तो गरीब का ही बच्चा अक्सर आर्मी में जाता है, तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ हिम्मत है। सर, कैसे साबित कर सकते हैं गरीब का बच्चा में जाता है और अमीर का बच्चा नहीं जाता है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा परिश्रम इस रास्ता में, सब इस कठिनाइयों को नहीं झेल सकता है, और इसको झेलने का ताकत सिर्फ और सिर्फ गरीब के बच्चों में होता है। जो इस मिट्टी से जुड़ा है वही इस मिट्टी का सेवा कर सकता है, तो इसके लिए गरीब का ही। ताली बजा रहे जी। आप चनक्या फिश का सेंटर में आते हैं जी, लोग कुछ यहाँ कहते हैं कि बालू पे दौड़ने से दौड़ थोड़ा मजबूत होता है, तो क्या बालू पे दौड़े हैं कभी? हाँ, दौड़े। तो क्या कुछ फायदा हुआ आपको? काफी फायदा होता है बालू पे दौड़ने से, थाई मजबूत होता है, हफनी पचता है, टाइमिंग अच्छा आता है, क्योंकि बालू पैर को पकड़ता है, उसमें यदि आप पैर उठाना और स्पीड बना लेते हैं तो ग्राउंड में आप गोली की तरह सीधा फर्क आ जाता है, यदि वहाँ आप गुलेल हैं तो यहाँ गोली बनती है। झा जी, आपके बगल में जो खड़े हैं, देश की सेवा में जाएंगे कुछ दिन के बाद, तो क्या है, देश की सेवा कैसे करेंगे अभी? ये लोग जिस हिसाब से, जिस मनोबल से, जिस जोश से दौड़े हैं, वो तो यही कहता है कि ये आने वाले अभिनंदन होंगे, आने वाले अभिनंदन होंगे। बहुत अच्छा जवाब। झा जी, आपके अगल बगल में कुछ लोग खड़े हैं, उनका भी बिहारो का दौड़ होने वाली है, 4 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में है, समय काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, आप उनको बताएं कुछ जो दौड़ उनका भी अच्छा हो जाए। देखिए, ये सभी लोग तैयारी करते हैं, मन से करते हैं, और ये घोड़ा है, इनको बस लगाम खींचने का ज़रूरत है, इनको जैसे ही दिशा निर्देश मिलेगा ये अपने जीत को, अपने फतह को हासिल करेंगे, क्योंकि इन्होंने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है। इस कड़ाके के ठंड में जो आता है कोई ऐसे नहीं आ सकता है, वही आ सकता है जिसके दिल में जज्बा है, जज्बात है, जो कुछ करना चाहता है और करके हिंदुस्तान को दिखाना चाहता है, तो उनमें ये शुमार हैं। ये सभी उन वीर योद्धाओं में हैं जो कि -50 डिग्री सेल्सियस में वहाँ सेवा करता है, तो ऐसे ये लोग यहाँ भी आते हैं। झा जी, ये बताइए कि सुनते हैं कि आर्मी का दौड़ काफ़ी टफ भी होता है, उसमें बीम की प्रक्रिया भी है, तो आप ऐसा बताइए कि ताकि हमको कुछ बीम भी ठीक हो जाए, दौड़ भी बढ़िया हो।